हाँ हाँ जी जी सर क्या कहना चाहिए अच्छा ये मैंने पूछना था आपसे ये काफी मॉडर्न मुस्लिम्स आजकल मतलब उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग भी लॉजिकली मतलब पॉसिबल नहीं है तो आप ये इन्फिनिट रीग्रेस को रोकने के लिए आप मतलब गॉड को अगर डाल लिया जाए तो उसमें मसला क्या होता है मतलब क्या प्रॉब्लम है अगर आप मोनोथिस्टिक गॉड को डाल लो था? तो इस modern... इस पर क्या रिस्पॉन्डअप करते हैं वो कहते हैं प्रॉब्लम क्या है मतलब अगर एक रिलीजन है अभी तो गॉड चाहता है कि मैसेज आए बंदों के थ्रू तो ये पूछना था मैंने अगर उनको जिस तरह ये लॉजिकल लगता है ना कि यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग इलॉजिकल उससे ज्यादा इलॉजिकल ये हैगजिस्टेड फॉर एवर टाइम भी सडनली हुआ कि मैं बिग बैंग करता हूं, विल वेट 14 और फिर छोटे छोटे से नबी भेजूंगा इतना छोटा काम इतने छोटे मकसद के लिए इतना बड़ा काम यानी आपने एक प्रॉब्लम आपने एक सोल्यूशन बनाया आ, आपने एक प्रॉब्लम पैदा किया ताकि ताकि आप उसका एक सोल्यूशन दे सके आपने प्रॉब्लम पैदा ही इसलिए की है ताकि आप सोल्यूशन दे सकें आपने प्रॉब्लम ईवेल की पैदा की है ताकि आप उसका टेस्ट है असल में आपने लोगों को आजमाना यानी ये या किसी भी तरीके से एक तो यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग तो एक है ना साइंटिफिक पॉस्टूलेशन है वी वी कुड मे मे बी बी विल गेट गेट द द आंसर आंसर वो तो एक और चीज़ है कुछ तो था इसमें तो कुछ है ही नहीं शक की बात अब वो कुछ सिंपल था यह कॉम्प्लीकेटेड थाबल देन वो कॉम्प्लीकेटेड था अगर आपने अब फिर खेंच के कॉम्प्लिकेटेड अपनी इंफिनेट रीग्रेस की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपने एक करनी है कि वो गॉड था और गॉड भी अच्छा चलो गॉड था अब वो भी आपने जैसे क्यों वन गॉड वाई नॉट टेन गॉड और वो गॉड का ओरिजिन जब आप एक्सप्लेन हम तो कह देते हैं कि हमारे पास इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं है कि व्हाट बिफोर द बिग बैंग ये ह्यूमिलिटी है साइंस की जिसने हर चीज यहां आपके सामने रख दी है साइंस ने रखी है आपके सामने हर चीज मतलब ने आपके सामने कुछ नहीं रखा दूसरी तरफ ह्यूमिलिटी नहीं दूसरी तरफ एरोगेंस है खुदा था हमारा वाला हमारा वाला बाकियों का नहीं कहां से था नहीं था बस था तो था तो था, था। साइंस आपको कहते हैं हमें नहीं पता इस बात को और इसीलिए साइंस से जो बाकी की इमारत खड़ी हुई है दैट मेक्स फार मोर सेंस देन द अदर वन जो खुदा था वो चौदह वो खरबों साल वो बैठा रहा उसने बिग बैंग कर दिया फिर फिर और वो भी बिग बैंग का उसे नहीं पता था जब हमें साइंस ने बताया तो अच्छा हम वो भी बोरो कर लेते हैं फिर वो बिग बैंग बورو कर लिया फिर वहां से 14 अरब साल वेट किया डायनासोर आए चीर फाड़ते रहे पहले बैक्टीरिया तकरीबन 4 बिलियन 3 3 बिलियन इयर्स तक खाली बैक्टीरिया ही रही सिंगल सेल लाइफ रही फिर 50 करोड़ साल सॉरी 500 करोड़ साल पहले 500 मिलियन की तरह होता हां आधा अरब साल पहले 50 करोड़ साल पहले फिर आधा अरब साल पहले जी आ, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आती है फिर बैठा रहता है अल्लाह में जो ऐसी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्रीयां चल रही हैं अल्लाह में देख रहे हैं ऊपर बैठ के हम अब हाँ, मैं क्या करूं सर पर उसका जवाब वो देते हैं व्हाट इज मोर एक्सेप्टेबल सर पर उसका जवाब वो देते हैं कि उसने अल्लाह ने तो हर चीज का हिसाब करना है। तो वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स भी आए हैं वो डायनासोरस भी हैं तो वो भी उनकी مخلوقات हैं तो उनका वो भी, उनका भी उनका होगा तो बस वो इन, उ, वो जवाब दे थे देखे जवाब आप मेरे से कोई भी सवाल पूछे नीली शर्ट क्यों पहनी हुई है मैं आपको कोई भी जवाब दे देता तो नीली शर्ट इसलिए पहनी हुई है मैंने क्योंकि मुझे कहीं से मिल गई रात को मैं सोया घरी शर्ट में था वो सुबह उठाऊ तो नीली हो गई जवाब तो आप कोई भी दे सकते, है। 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 सकते हैं डज दैट जवाब मेक सेंस और नॉट ये जो जवाब का डायनासोर का हिसाब चल रहा होगा शेर का हिसाब चलेगा कि आपने हिरन को क्यों खाया वो हिरन पता चले अल्लाह में अगर अब रो, रोजे वो हिरन लगा रहा है। ये शेर ने मुझे खा लिया मैं ये जवाब इनके पास कोई नहीं है ये सारे वो बैंडेड सोल्यूशन इन्होंने बनाए हैं जो कि आपको साइंस ने जब आपको सोल्यूशन दिए साइंस ने आपको इंफॉर्मेशन दी है वर्ल्ड के बारे में तो आप ये फंसते जाते हैं और बिग बैंग आप बता दिए एवोल्यूशन से नहीं बच पा रहे एवोल्यूशन में भी जंप मार दिए कि हमने इंसान को पहले काबिल जिक्र इंसान नहीं था

कर सकते हो मतलब उसका निकाल सकते तो वो ये कर रहे हैं वो नहीं, कर तो क्लेम ये नहीं था क्यामत तक का मतलब ये जो चीज इसके अंदर लिखी हुई है वो इट टू बी एब्सोल्युटली ट्रू ठीक है कुछ ऐसी चीज हो सकती है लेकिन जो तो चीजें एप्सोलूटली स्टेटमेंट है जो हालांकि बड़ी वेग चीजें अब मीठा पानी कड़वे पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, इस, इस, इस ये, हो चुकी है बात। ये कुछ चीजें एबसोल्यूटली फॉल्स गलत साबित हो चुकी नहीं है और कुछ ऐसी चीजें जिनमें कोई खास बात ही नहीं है अब अब दुनिया छह दिनों में नहीं बनी पहले जमीन अल्लाह मैंने बनाई फिर सितारे बनाए ये ये क्या है ये और ये, दिन दो दिन में अल्लाह वो ज़मीन बना दी <laughs> <और laughs> उस वक्त रहती दुनिया तक है तो फिर उसमें मसला कि अगर ये चीज ना होती तो वो जस्टिफाई कर सकते थे कि हाँ उस दौर में ये होता था दैट वाज द नॉर्म लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद मॉडल है तो फिर आप नौ साल की बच्ची से शादी करना या फिर और उनके जो मामला थे लॉन्ड्री श्री को आप डिफेंड नहीं कर सकते अगर आप उसको फिक्स कर दें एक टाइम पे कि ये सिर्फ उस वक्त के लिए था फिर वो चीज़ डिफेंड हो सकती है कि ठीक है भाई उस वक्त की वो मोरालिटी थी उस उस टाइम किसी ने एतराज़ नहीं उठाया तो वो हो गया इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि ये कहते हैं कि जी ये रहती दुनिया तक ये मोरलि मॉरल गाइडलाइंस हैं और फिर जो साइंटिफिक चीजें हैं वो भी रहती दुनिया तक हैं तो ये मेक मच सेंस चलिए सर ठीक है शुक्रिया थैंक यू सर बहुत शुक्रिया मीटियर्स मिसाइल नहीं है दैट्स दैट्स राइट राइट अच्छा जी मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे, पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं